तेरी छीतिया के पै गई कमरे च, तेनू तो मैं फिर वेखांगी। हाँ पाबी, इस किताब च लिखा है कि जिसने तन ते सतरंगी बनया होवे ओ इंद्रधनुष वांगू आसमान च चमकदा है, ते मेरे कोल तो कोई सतरंगी सूट नहीं सीगा, इस करके मैं सत सूट कट्ठे ही पाले। बजनू, तनु अपने फेल होने दा जरा भी अफसोस नहीं होया? पाबी, मैं कल फेल हुई सी ना, ते ओदा अफसोस ही मैं कल ही मना लिया, हुन सारी जिंदगी मैं रुंदी थोड़ी ना रवांगी। जे तू पास हो जावेंगी ना, ते मम्मी ते बाऊ जी ने बहुत खुशी होनी, इस घर च रौनका लग जानी। और सब तो बड़ी गल तुम्हें पता की, मेरे मत्थे जेड़ा कलंक लगे है वो तू जाने। तुहाडे मत्थे ते केड़ा कलंक है पाबी? पाबी, एनो 100 रुपए कम आ गए मेरे को, है कि मैनू नहीं चाहिए। हाँ, फिर भी पता है बीबे कहती है कि जेड़ा कितने दूर जा रहा होवे तो उन्हें पैसे देगा। रख ले। सुनियो, मैनू लगता तुसी कुछ परेशान है, की गल है? नहीं, ऐसा तो कोई गल नहीं है। इस तरह किस तरह हो सकता? कोई गल तो जरूर है। मैं कहा ना, कोई गल नहीं है। अच्छा, हुण मिस तो भी छुपाओगे? बेबी ने कुछ किया? नहीं, बेबी ने कुछ नहीं किया। मैं तो बस भजनू बारे सोच रही थी। भजनू बारे? भजनू ने कुछ किया? भजनू बहुत चंगी कुड़ी है, थोड़ी छोटी तो लाडली भैन है, मनु भी बहुत प्यारी है। उन्हें माड़ी जी भी तकलीफ होती है तो साढ़े सारे की जान निकल जाती है। पर सोनिया, बुझारता ना पा, साफ साफ दस की गल है, भजनू ने तेनू की किया? तुसी कदी भजनू की गल्ला ते ध्यान दिता है? भजनू की गल्ला ते, ओदी गल्ला ते की ध्यान देना है? वो तो बचपन तो इस तरह ही है, एकदम मस्त मलांग। मनु भजनू का बिहेवियर थोड़ा जहा अबनॉर्मल लगता है, कभी कभी कुछ अजीब जी गल्ला करती है। किते भजनू नू कोई दिमागी तकलीफ ते? सोनिया, सोनिया तेरा दिमाग ठीक है? तेनू पता तू की कह रही है? मनु पता सी कि थोड़ा रिएक्शन इस तरह ही होएगा, पर मैं थानू यह गल एवें नहीं कह रही, एदे पीछे कोई वजह है। मैं लगता है कि सानू भजनू नू किसी चंगे डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट नू दिखाना चाहिए। जे तो दिमाग च कोई नुक्स नहीं होएगा ना, तो सब तो ज्यादा खुशी मैनू ही होएगी। थानू मेरी गल्ला ते यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, तुसी आप थोड़ा टाइम भजनू दे नाल बिता के देखो। देखांगा, जरूर देखांगा, पर जे मैनू लग गया कि तू बेबे का बदला लैन लई भजनों के उत्ते इल्जाम ला रही, तो देखी। भाजी, भाजी, चंगा भाजी, तुम मैं बारी मिल गए, नहीं तो मैं तुम्हें अंदरों खिंच के लिया से इतने खड़े होकर भंगड़ा पाना सी। भाजी, मैंने भंगड़ा पाओ ना, भाजी भंगड़ा पाओ ना। मैं तंग ना कर, देख मेरा मूड बहुत खराब है, प्लीज़ तू जा। भाजी, तुम्हें यह लग रहा कि मैं फिर तो कोई बहाना बना रहा पैसे ठगन का? पर नहीं भाजी, अज ऐसी कोई गल नहीं है भाई, सच्ची गल तो यह है कि अज मैं सेंचुरी मारी है, सेंचुरी जिदे 12 चौके तो 3 छक्के शामिल सी। हाँ, तो मेरे सारे दोस्तों ने मैं मोढ़े चुके पूरे ग्राउंड का चक्कर मारिया, पूरे ग्राउंड का। भाजी, मेरे कोच ने मेरा नाम इंडिया टीम की सिलेक्शन लिए रेकमेंड भी कर दिता। बस भाजी, तुम अपने छोटे भरा आशीर्वाद दो ताकि मैं देश नू जिता सकां ते अपने परिवार का नाम रोशन कर सकां। पाजी आशीर्वाद दो ना, दो ना पाजी आशीर्वाद।
बंदा है कि गधा? घट्टो घट वेला को वेला देख लीता हूं, और नहीं तो बंदे का घट्टो घट मूर तो देख। गधा भौंकी जा रहा है, भौंकी जा रहा है। अपनी बकवास कैसे होर जाके सुना देख, वैसे भी जब इंसान गुस्से च होंदा ना, उन्हें अपने पराए का फर्क नहीं पता लगता। चल कोई गल नहीं, चल तू अंदर चल, मैं तेनों दूध गर्म करके नाल कुछ खाने दे दी। चल। हाँ भाभी, मैं भूख बहुत लगी, पर भाभी तू भाजी कह दी मैं गल नहीं करनी। हाँ क्योंकि मैंने बुलाने की कोशिश ना कर। ठीक है, कह देंगे। चल अंदर चल, चल। ओके। बाबूजी हाँ जी बाबूजी की होया भाई, परेशान क्यों है? किधर बेबे ने तेन भी कुछ कहता? बेबे ने की कहना सी? तो फिर दुखी क्यों है तू? घूमन फिरन बाहर निकले सी, ते मैं सोचा थोड़ी जी हवा खा लेना। देख पुत्र, एक कहावत है कि जब पुत्र का पैर इन्ना वड़ा हो जाए कि प्यो का जूता उन्हें फिटाने लगे और प्यो की जिम्मेवारियां संभालनी शुरू कर दे, फिर उन्होंने रिश्ता प्यो पुत्र वाला नहीं रह जाता, बाकी दोस्ती का हो जाता है। और दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि एक दूजे को कुछ नहीं छिपाएगा, समझे? चल बोल की गल। कोई गल नहीं भाऊ जी, तुम तो एवं चिंता करी जाने। हम तुम तरह बोल लेंगे या अद्या एक कंध थले तेन बोल की परेशानी है? भाजी मैं क्या ना, कोई परेशानी नहीं, तुसी जाके सो जाओ। अरे पुत्र तेन पहले बार इन्ना परेशान देखा है, तेन लगता मैं नींद आ जाएगी है? चल बोल 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 की गल। भाजी तुसी कदे पजनों दियां गल्लां या फिर उदियां हरकतां दे उत्ते ध्यान दित्ता अज तक? जिन्ना एक प्यो ध्यान देना चाहिए उन्हें दिता है, बाकी 24 घंटे तेरे बेबे उन्हें हिकना लाई रख दी है, जिम्मे अज भी दुध पीती बच्ची हो। क्यों क्यों यार? सोनिया कहती है कि सानू भजनों को किसी चंगे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब किसे दिमाग दे डॉक्टर नू। सोनिया कहती है कि पजनू दे दिमाग दे विच नुक्स है। स्वर्ण मंदिर पंजाब से केड़े शहर च है? मेरी भैन का जवाब है मुंबई च। अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? ते जवाब है सलमान खान। कुछ गलत नहीं लिखा मैं? नहीं बचपन, तू कुछ गलत नहीं लिखी, शायद रब तक लिखी ही गलत हो गया। भाजी ऐसे करके मैं तुम्हें तो नहीं दस रहा सी, मैंने पता सी तुसी भी डिस्टर्ब हो जाना क्योंकि मैं आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सीगा। पुत्र गल ये हो जी है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो हो ही जाता बंदा, लेकिन मैं ये सोचता कि तू कल ही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा तो। कई बार मैंने भी हरकत अजीब जी लगदिया ने, शायद सोनिया शक सही है।